जल्दबाजी होगी, इसके कोई पुष्ट आधार फिलहाल नहीं है कि उनकी रिवॉल्वर से मारा गया। सर, क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है कि इस तमाम में जो भीड़ जो वहां इकट्ठा थी उसे डिस्टर्ब करने की या कोई कम्युनल वायलेंस फैलाने का प्लान था कुछ? जब इंटेलिजेंस की एक जांच हो रही है तो अब आप खुद ही सक्षम हैं इस बात को समझने के लिए कि जब इंटेलिजेंस की जांच होती है तो समस्त पहलू को जांच होगी। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दायरा 48 घंटे का था जो आज सुबह से शुरू हो गया। कल ये निर्णय हुआ था तो आज से 48 घंटे आज से, और एडीजी इंटेलिजेंस वहाँ मौजूद है, सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। सर, जो साथी पुलिस वाले थे क्या उनके रोल को भी इसके अंदर पकड़ा गया है कि क्या, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें देख सकते हैं कि एक बॉडी जो पुलिस वाले की बॉडी है वो उसमें गाड़ी में व्हीकल में दिखाई दे रही है, पुलिस व्हीकल में, और कोई भी आसपास कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, तो क्या बॉडी को छोड़ के पुलिस वाले भाग गए? क्या इस रोल को भी, इस एंगल को भी आप लोग पकड़ लें? मैंने आपको पहले ही कहा कि किन परिस्थितियों में हमारे इंस्पेक्टर की बॉडी वहाँ थी, इन सब चीज़ों का आकलन एसआईटी करेगी। जो वीडियो ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है उसकी पूरी प्रामाणिकता और उसकी पूरी जांच में उसको ये बिंदु समाहित होगा कि क्या कैसी परिस्थितियां बनी और पुलिस वाले उस समय कहाँ थे। बाकी सहकर्मी कुछ बातें बयानों के आधार पे आई हैं लेकिन इस समय पुष्ट आधार पे कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सर, सुमित का भी एक वीडियो वायरल बताया जा रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी पास में खड़े हुए हैं, क्या स्पष्ट हो पाया सर क्या गोली कैसी लगी है, किसकी लगी है? सारी चीज़ें जांच के दायरे में आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत चीज़ें साफ होंगी, और साथ ही साथ जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, जो वीडियो फुटेज उपलब्ध है पुलिस के पास, उससे बहुत चीज़ें साफ होगी किसका क्या रोल है। सर, कल जो गोवंश के अवशेष मिले थे उसमें माहौल खराब हुआ, इंस्पेक्टर ने उसको काबू किया, उसके बाद फिर से भीड़ उग्र हुई, इस दरमियान क्या सुबोध कुमार सिंह ने एसएसपी बुलंदशहर या अपने दूसरे साथियों से फोर्स की डिमांड की थी? क्योंकि उस पहले इंसिडेंट और दूसरे इंसिडेंट के बीच में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त था, उस दौरान एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की गई थी क्या? फोर्स की डिमांड करने की पुष्टि एफआईआर में होती है कि सीओ साहब जो चौकी के अंदर गए जब पथराव शुरू हो गया तब उन्होंने फोर्स की डिमांड की है, इस बात की पुष्टि एफआईआर में होती है, और उसके आधार पर ही आसपास के क्षेत्र अधिकारी और पुलिस बल वहाँ पहुँचा। क्या ये फोर्स की डिमांड समय पे की गई या इसमें कोई कमी रही, ये सब चीज़ें एसआईटी की जांच का बिंदु होगा। इस पर इस समय कोई निर्णायक स्थिति पे आना अनुचित है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है कि सुबोध सिंह को पहले कोई पत्थर लगा, जो एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से पत्थर लगा जिससे वो गिर गए चौकी के प्रांगण में दीवाल के सहित, फिर वहाँ से कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको पीछे गाड़ी पीछे करके उनको अस्पताल ले जाने की कवायद की। अस्पताल ले जाने की जब कवायद हुई तो ये भीड़ का एक हिस्सा वहाँ पर भी आ गया जहाँ पर उनकी गाड़ी थी पीछे की तरफ खेत की तरफ, और वहाँ पर भी भारी संख्या में पथराव और गोलीबारी हुई, जिस बात की पुष्टि वहाँ के पुलिसकर्मी करते हैं। वहाँ के जो आसपास के कॉलोनी के लोग थे उन्होंने भी दरवाज़ा आदि बंद कर दिया, जिसका भी उल्लेख एफआईआर में है। उसके बाद जब ये गाड़ी तोड़ दी गई और इसको डैमेज कर दिया गया तो दूसरी गाड़ी अरेंज करने के लिए पुलिसकर्मी संभवतः गए थे, उसके बाद दूसरी गाड़ी अरेंज करके उनकी उनको सुबोध कुमार सिंह को उस गाड़ी में डाल करके वो ले गए सीएससी। ये अब तक बात सामने आई है, बाकी घटनाक्रम क्या हुआ है वो जांच के आधार पर इसकी पुष्टि होगी। सर, गृह विभाग ने एक विस्तृत खाद्य गाइडलाइन जारी की थी ये काउ विजिलेंटीज और काउ स्लॉटरिंग के ऊपर, कि किस तरीके से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस पे काम करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या अपनाना है, उसको अगर आपको देखा जाए, अगर उसमें भी अगर टाइमों के साथ कुछ आपको लापरवाही उसमें दिखाई दे रही है, और अगर दिखाई दे रही है तो इसमें क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? देखिए, जो एक सर्कुलर जारी किया गया था डीजीपी महोदय की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे था, और उसमें कई चीज़ें थी जिसमें कि एक एसआईटी के गठन की बात थी, स्पेशल टास्क फोर्स की बात थी, सोशल मीडिया में रूमर मॉन्गरिंग क्वेल करने के लिए डिजिटल वॉलंटियर्स की बात थी, कई तरह की बात थी जिसका कि कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने भेजा है, और ये कई जिलों में इसकी कंप्लायंस का सारे जिलों में करीब करीब कंप्लायंस हो रही है। ये भी एक मुद्दा रहेगा कि अगर क्या ऐसा जो गाइडलाइन सर्कुलेट की गई थी उनकी कंप्लायंस हुई है या नहीं, अगर इसका इस केस से कोई ताल्लुक होगा तो निश्चित तौर पर सामने आएगा। मैंने आपसे कहा कि योगेश राज को फिलहाल न डिटेन किया गया है न गिरफ्तार किया गया है, जब किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। गौकशी के मुकदमे में जो लोग नामित हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है,
और प्रयास किया जा रहा है। नहीं अभी अरेस्टिंग। अभी बुलंदशहर में क्या हालात हैं? बुलंदशहर के हालात सामान्य हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि जो इज्तिम था उसमें 15,000 से 20,000 लोग मात्र बचे थे, वो जो भी डिस्पर्स कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं बेसिकली, और बाकी लोग सब जा चुके हैं। किसी प्रकार का कोई तनाव कोई दिमाग नहीं है, पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है और समान होती जा रही है, और आगे भी कोई तनाव ना हो या कोई पूरे किसी प्रकार का कोई और अन्य कुप्रभाव ना हो उसके लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है।